सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सिंह रूपेण हंतम दैत्यांकितोत्तमे
त्रैलोक्यत्राण सहित नारायणि नमोस्तुते किरीटिणि महावस्त्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हतले च महाबले घोररूपे महारामे नारायणि नमोस्तुते दशाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शर्दे वस्ते सुधे शुभे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भौतिकाप्रभितामदे नियते सम्प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयग्रस्तहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनं द्वयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनश्रीदन्ततेजांसि सुरेणापूर्यया जगत् स घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुधानिव असुरासृगमसापङ्गचतिरसेकलज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वामृताभयम् रोगानशेषानवः सुदुष्टान् रुष्टादुकामानुसकलानमेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपर्णानां त्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एलाकलव्याद्गलनान्द्वयाद्य धर्मादृशादेवमहासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्मभूतिं कृत्वापि चेतत्प्रकरादिकान्य विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे शास्त्रेषु वाक्येषु जगाद्वदन्य मवत्वगर्देति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वं रक्षाति यत्रोग्रविशासनागा यत्रादयो दास्यबलानि यत्र दामानलो यात्र दधासि मध्ये तत्र सिद्धतां परिमासि विश्वम् विश्वेश्वरितं परिमासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशमद्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिदं प्राह देवीं प्रसीद परिपालय नित्यं यथा सुरवदा तदुनैव सत्यः पापानि सर्वयजतां प्रजपर्णयाचन् उत्पादपाकजनिता च महाप्रसर्गम् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वादिहारे त्रैलोक्यवासिनामिन्द्रे लोकानां वरदा भव देव्यो भाग वरदाहं सुरगणां फलं जन्मनसंशत सम्प्रणब्धं प्रयच्छामि जगतामवसारकम् देवामोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाधिनेश्वरे एवमेव आचार्यम् अस्वाधैर्विनाशनम् देव्यो भाज देवस्वजन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भाणि शम्भसेवाज्ञे महाशरम् नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्रवणाशयिष्यामि विद्यानिवासिने पुनरप्यति रात्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यः निष्यामि मे प्रचित्ता सुदानवान् वक्ष्यन्त्याशुतानुग्रान् मे प्रचित्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति नारिवेकुसमोपमाः ततो मार्देवतः स्वर्गे मत्यलोके गमानवाः सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सदनं रक्तदण्डिका भूयश्च शतवार्षिक्यामृष्यामणं वसे मुनिभिः संसदा भूमौ सम्भविष्यामि जोनिजा ततः शतेन नेत्राणां विरीक्षिष्यामि जन्मणे हे देष्यन्ति मनुजः शताक्षेमिति मा ददः
కథమోకమాత్మదేహసముద్భవే వరిష్యామి సరహసే ఆవృష్టే ప్రాణధారే శాకం వలేమి దుర్గమాధ్యమాసురం దుర్గాదేవీ వ్యఖ్యాతం సర్వే నామ భవిష్యతి ఉడక్షాహం యదా భీమం రూపం హిమాచల రక్షామి మణిరాత్రణాత్ తదా మా ముని హే శోషన్ ధ్యానం ప్రమూర్తయ భీమాదేవీ వ్యఖ్యాతం కన్వే నామ భవిష్యతి యదారుణాఖ్యే యోగే మహాబాధాం గమిష్యతి తదాహం రామరం రూపం వృత్తా సంఖ్యాపదం త్రైలోక్యశాయ మలిష్యామి మహాసురం భ్రామరీతి మహలోకా సదా శోషంతి సర్వదః ఇత్థం యదా యదా బాధానుమర్థ భవిష్యతి తదా తదావతీర్యాహం కలిక్ష్యామి సంఖ్య सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुह के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धासिदाभीषणः कन्याभिकरभलघटविलसत् हस्ताभिलासेभिता हस्ते शक्रगदासिघटविशिखा
महाकाल महाकाल महामारीकाल महामारी भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मे प्रदाये सेवा भावे तदा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सदा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविषदा तदा दिवित्ता मुद्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभम् सिद्ध पंजिका स्तोत्र शिवावाच शृणो देवी प्रवक्षामि कुञ्जिका स्तोत्रमत्तम येन मन्त्र प्रभावेन चण्डे जाता शुभो भवेत् नागम चण्डाजला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूत्रम् नापि ध्यानम् च नान्यासो न जपाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् नदीकुयतरम् देवी देवानामभिधुरवम् गोपणीयम् प्रयतनेन द्वयो नेरिव पार्वती वारणामोहनम् वश्यम् सम्पनम् चाटलादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्वत्रमत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विश्वे ॐ ग्लौं ह्रों क्लीं ह्रों सः ज्वालय ज्वालय ज्वाल ज्वाल रज्जल रज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विश्वे ज्वलहं सरलं शम्भः स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुवर्धने नमः केतवहारिणे नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातने जाग्रतं हेमहादेवे नमः सत्यं कुरु च मे अहङ्कारे शिष्यरूपाय हृङ्कारे प्रतिपालिक क्लीङ्कारे कामरूपिण्डे बीजरूपे नमस्कृते चामुण्डा चण्डगादी च यैकारे वरदायणे विच्छे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां धीं धां धर्यते पत्ने वां ह्रीं भुं भागधीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवे शां श्रीं शुमे शुभं कुरु हुं हुं हङ्काररूपिणे झं 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 वनाधिने धां ह्रीं भ्रौं भैरवे पत्ने भवान्ये नमो नमः अङ्कं जं कं तं पं यं षं भीं दुं ऐं भीं हां षं निजग्रं निजग्र त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॐ भीं भुं भारते पूर्ण खं भीं हुं शर्करे दद शां श्रीं सौं सप्तयदे दर्भ्य मन्त्रसिद्धिं कुरु शुभे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव धातव्य गोपितौ रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवे हीनां शब्दयदे पठे न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनायत अथ दुर्गापद्धराष्ट नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगन्मन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि तहि दुर्गे नमस्ते जगदन्त्यमानन्दरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि तहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य भयादस्य भेदस्य बद्धशयन्तो त्वमेकागतिर्देविनिस्तारकस्य नमस्ते जगत्तारिणि तहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रु
चले संकट राज गे प्रभात तुमे का अपारे महादरे जगोरे विवसागरे वे का नमस्ते जगत नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे स्वेगा सदा राजिताजेगा क्रोध न क्रोध नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे विमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभो देहि सदाकालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे शरणवसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां गुणगणधवराणां व्याधिविवेकिनां निपदेशगतानां दशमेश्रासितानां रमसि शरणमे स्तोत्र जय भगवती देवी नमावरदे जय पाप विनाशिनि भवभरदे जय जोम्बरे जोम्बक पालधरे प्रणवामि तुते विनराधि हरे जय चन्द्रदिवाकर जय पावक भोजन
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से
हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती का श्रवण करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब भगवती जब प्रसन्न होते हैं तो यज्ञ का वध होता है, यज्ञ का कल्याण होता है। और जब जब भगवती कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से माँ से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जो भी भक्तजन इस जगजननी जगत माता के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की कृपा से, माँ का आशीर्वाद से उन भक्तों का सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और जिस कार्य के लिए भी अग्रसर होते हैं उन कार्यों में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है, समस्त विघ्न बाधा दूर होते हैं, जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है, जीवन को कष्ट कोई दुख नहीं आते हैं जिन पर इस माँ भगवती यक्त माता की कृपा हो जाती है। जो भी माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तब करते हैं जहां तक कि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य सभी जो हैं, ऋषि मुनि, संत महात्मा, मानव, दानव सब इसी शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति संपन्न होकर के वे अपना कार्य करने में सफल होते हैं। जहां तक कि देवी पुराण में ये कथा आई है कि रावण ने जो है त्रिलोकी पर विजय कैसे प्राप्त की थी, वह रावण जो था त्रिलोक विजय कैसे हुआ, तो देवी पुराण में जो है ये कथा मिलती है कि रावण ने जो है माँ भगवती जगजननी की आराधना की थी, तब किया था, बड़ी घोर तपस्या की थी उसने। इतने भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया, भगवान शिव की आराधना की, तो माँ भगवती कहते हैं कि कात्यायनी, कात्यायनी देवी की आराधना की थी, कात्यायनी के स्वरूप में जो है माँ भगवती की उन्हें उपासना की, माँ जगदम्बा उन पर प्रसन्न हुई, माँ को प्रसन्न कर लिया,
जब मां प्रसन्न हुई तो इस प्रकार से जहां तक ऐसा वरदान दे दिया कि मां भगवती स्वयं जो है लंका में जो है विराजमान होकर के लंका की रक्षा किया करती थी, रक्षा करती थी। इसका नाम लंकेश्वरी। इस प्रकार से जहां लंका में रह करके लंका की रक्षा करती थी और रावण जी उत्तर जो है वह वृद्धि को प्राप्त हुआ, ऐसे तप किया, ऐसी साधना की, भगवान शिव और माँ जगदम्बा को उसने प्रसन्न किया और सब प्रकार के सुखों को प्राप्त किया। फिर समस्त देवताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, माँ को प्रसन्न करके देवता और विजय प्राप्त कर ली। सभी देवता जो है एक स्वर से जो है उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे जो है रावण को अभिमान हुआ, अहंकार हुआ। अब जो है उन देवताओं को भी दुख देना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि संत महात्मा जो है साधना नहीं कर पाते थे, यज्ञ करना बड़ा कठिन हो गया था। इस प्रकार से उस समय पृथ्वी माता रावण के अत्याचार से जो है दुखी हो गई। कहते कि माँ जो पृथ्वी कितना ही बोझ क्यों ना हो जाए परंतु माँ कभी दुखी नहीं होती। जब पाप बढ़ता है तो ये धरती माता भी दुखी हो जाती है। कहते हैं कि धरती माता ने जो है पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया ब्रह्मा के पास ही और जाकर के प्रार्थना की, अब जो पाप मुझसे सहन नहीं होता, क्या करूं। तब कहते कि भगवान ब्रह्मा जो थे वह भी भगवान विष्णु के पास गए, विधाता जो है सृष्टि रचयिता वहां जाकर के उनसे प्रार्थना की कि धरती माता गौ का रूप धारण करके आई है कि रावण का इतना अत्याचार इतना पाप बढ़ चुका है, अब आपको जो है पृथ्वी पर अवतार लेना होगा और रावण की जीवन लीला समाप्त करनी होगी। तब जो है उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, महाराज रावण ने जो है माँ भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करके उसका आशीर्वाद प्राप्त किया है, फिर जो माँ का स्मरण करता है, माँ जगदम्बा को स्मरण करता है, उसका अनिष्ट हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उसे मार सकता हूं। तब कहते हैं वहां से ब्रह्मा और विष्णु जो है कैलाश पर गए, भगवान शिव और माँ जगदम्बा पार्वती के पास। पहले भगवान जो है शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना की, फिर माँ जगदम्बा के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की। तब जब माँ ने कहा देखो रावण जो मेरा भक्त है, तब कर करके मुझे उसने प्रसन्न किया है और मैंने उसे वरदान दिया है और मैं स्वयं वहां रह करके जो है लंका की रक्षा करती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब यह आपका स्मरण करता है, आपकी भक्ति करता है और आपके रहते जो है मैं कैसे उसे मार सकता हूं। तो कहते हैं कि जो दुष्ट भी होता है वो यदि भगवती का स्मरण करता है, माँ की भक्ति करता है, उसका भी निष्ठ नहीं होता है। तब जो है माँ ने कहा देखो कि उसने जो तप किया, जो शुभ कर्म किए हैं, उसका फल उसे मिल चुका है, जो भी वह चाहता वह सब मिल गया। अब जो है उसके अत्याचार से जो है उसके पुण्य जो समाप्त हो रहे हैं और मैं जो है अब लंका का त्याग कर दूं कि कब। भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी इस कार्य में सहायक रहूंगी। माँ कहती है कि मैं मारने के लिए तैयार हूं परंतु मैं उसे मारना चाहता नहीं, मारना चाहती नहीं, क्योंकि मैंने उसे स्वयं मेरी भक्ति की है, उसने मैंने स्वयं से वरदान दिए हैं, स्वयं मैं उसकी रक्षा करती हूँ, इसलिए मैं उसे मारूंगी नहीं। भगवान शिव कहते कि मैं भी आपकी सहायता के लिए जो है पवन पुत्र हनुमान का रूप धारण करके जो है मैं लंका में प्रवेश करूंगा सूक्ष्म रूप। माँ कहते कि जिस समय भगवान शिव जो है जी सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करेंगे, उस समय मैं लंका का परित्याग कर दूंगी और उसके बाद जो है लंका का सर्वनाश होगा। बोले सच्चे दरबार की जय। और होगा भी यही था, जिस समय हनुमान ने लंका में प्रवेश किया था तो माँ जगदम्बा जो है उसने लंका का परित्याग कर दिया था,
उसके बाद जो है रावण ने अनेक प्रजनन किए परंतु कहीं भी सफल नहीं हुआ। सफल तभी तक हुआ जब तक माँ की जगजन्य जगत माता की माँ जगदम्बा की उस पर कृपा थी, उसका आशीर्वाद था, माँ वहां पर विराजमान थी। और जब माँ ने उस स्थान का परित्याग कर दिया तो वहां का क्या हुआ, सर्वनाश। उदय ब्रह्मा कहते हैं कि उसी के छोटा भाई विभीषण जो है वह धर्म का रूप है। जे विभीषण जो थे धर्म के अवतार थे, जे देवी पुराण में जो कथा मिलती है कि वह धर्म के अवतार थे और वह भय सर्वष्ट होकर के वह भी आपकी सहायता करेंगे। ब्रह्मा कहते मैं भी जो है आपकी सहायता करूंगा। यावंत के रूप में जो है इस प्रकार अन्य देवी जो है वह पृथ्वी पर आए और भगवान ने जो है राज दशरथ के घर में राम के रूप में अवतरित हुए। और भगवती जान माँ जगदम्बा ने कहा कि मेरा ही अंश और लक्ष्मी जो है वह भी जन के घर में अवतरित होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से रावण को मारने के लिए कितनी बड़ी योजना बनाई गई थी, अभी आप देखते हैं कि एक आतंकवादी को मारना होता है कितनी योजना बनाने पड़ती है। और उस समय की बात जो है, और जिस समय हनुमान जो थे वह वहां पर गए, लंका में जब प्रवेश किया था, मैं संक्षिप्त में आपको बतला रहा हूं कि लंका में प्रवेश किया और वहां अशोक वाटिका में गए, माता सीता की खोज करने के लिए गए थे। और पूरी लंका में जो है रात्रि के समय जो है सूक्ष्म उद्धान करके सर्वत्र उसने खोज की। और चलते चलते जो है विभीषण के घर के पास जब पहुंचे तो वहां पर देखा कि तुलसी का पौधा है, वहां पर राम राम लिखा हुआ है और ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातःकाल की वेला थी। और विभीषण जो जैसे नींद से जगे और भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करते हुए तो उन्होंने कहा कि इस लंका में जो वैष्णव का घर कहां। तो वहां पर जो है अब विभीषण के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके उपरांत जो है वह पहुंचे हैं माँ सीता के पास, वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं। उस मधुर वाणी को जो है ऐसे संगीतमय जो है उसने सारे चरित जो है भगवान श्री राम का वह उसने गाया। और जिस सुन करके सीता जो थी ऐसी मुग्ध हो गई कि इतने मधुर वचन बोलने वाला कौन है। और जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ जो हनुमान की भेंट हुई थी तब भी हनुमान जी जब वार्ता कर रहे थे तो श्री राम बिल्कुल चुप होकर के सुन रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा कि आपको इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसके जो शब्द जो है सुनने वाले हैं, एक एक शब्द जो है बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे पूरा व्याकरण जो जानता है और इस प्रकार से और बिल्कुल सार युक्त है, कोई वृथा शब्द नहीं है इधर उधर की, कोई लिपा पोची को करता है चावलोसी करता है, कोई चावलोसी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट जो बोलता है और मधुर वाणी। अब जो है वहां पर जो है अब अशोक वाटिका में जब हनुमान ने वहां पर माँ सीता की आज्ञा लेकर के फल खाए, रात्रि का समय था, फल को जगाने लगे, जो वृक्षों को जगाने लगे, हिला हिला के जो है आप जो है हनुमान जी हिलाते हैं और वृक्ष टूट जाते हैं, फल नीचे गिरते हैं, जो मीठे होते हुए खा लेते हैं। आप जो उस वन की रक्षा के लिए वहां पर थे, जब उन्होंने जो है उसे घेरा पकड़ने के लिए, तब जो है हनुमान जी उनको भी मारा और उनके हाथों अब जो है कहते हैं कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र जो है छोड़ करके उसको बंदी बनाया था, ऐसे बंधन में हनुमान आने वाले नहीं थे, क्योंकि हनुमान जो है भगवान शिव का ही अवतार थे। अब वहां से जब जो है लंकेश्वर रावण के पास जो है ले गए तो वहां पर जो है अब कहा गया कि इसे मार दिया जाए। विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, तब जो है एक मंत्र ने कहा कि दूत का जो है कोई अंग भंग कर देना चाहिए। तो हनुमान जो है वह वहां पर विराजमान सब देख रहे हैं, तो उस समय कहते हैं कि रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में कपड़ा और घी लगा करके तेल लगा करके इसकी पूंछ को आग लगा दो, छोड़ दो। तब कहते हैं प्रत्येक घर से जब कपड़ा आया, घी आया, घी खत्म हो गया, तब अगर संदेश मिला मारे घी खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि तेल लगाओ। तो प्रत्येक घर से हनुमान जी जब जो है घुमा रहे हैं नगर में, पूरे लंका में जो है
एक एक घर को हनुमान जी देख रहे हैं कि किस किस घर से कपड़ा आ रहा है, तेल आ रहा है, घी आ रहा है। एक ही घर था लंका में विभीषण का, जिसके घर से ना कपड़ा आया, ना घी आया, ना तेल आया। अब वहां पर पहुंचते हैं, अब जो है सबने कपड़ा बांधा, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते कपड़ा भी खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति में अब जब जो उन्होंने आग लगाई तो हनुमान जी ने सबके घरों में आग लगा दी। पूरी लंका में एक विष्णु का घर बचा। तो उस समय जो हम कहते हैं कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने की थी, त्रेता युग में ऐसी स्ट्राइक की थी कि पूरी लंका को जला दिया था। और रावण ने रातों रात इस प्रकार से पुनर्निर्माण करने के लिए आदेश दिया कि लंका वैसी की वैसी हो जानी चाहिए, वो तो मानना नहीं, अंत हुआ क्या, सर्वनाश। तो इसलिए कहते हैं कि माँ भगवती जी आदि शक्ति जो है जी सबकी रक्षा करती हैं, सबके अंदर जो है जी शक्ति विद्यमान है, उसी शक्ति संपन्न होकर के हम सब कार्य करने में सफल होते, कोई भी कार्य जो है। और जब तक तो उसकी कृपा रहती है तब तक तो प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, और जिस समय वह विमुख हो जाती है तो विनाश समझ लेना विनाश का समय आ गया। कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हुई है, अपराध हुए हैं, चाहे हमें अहंकार के कारण, चाहे लोभ के कारण, या किसी भी कारण जो है, कि क्योंकि कारण कोई ना कोई होता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब कारण बनते हैं मनुष्य के जीवन में उसकी विनाश के लिए। इसलिए जो है जो भक्तजन जो है माँ भगवती के शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, उन पर देवी की सदा सर्वदा कृपा बन जाती है। जो भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जब रावण पर उसकी कृपा है, माँ की कृपा है, तो मैं उसको नहीं मार सकता। जब माँ वहां से विरुख जो है विमुख हो गई और लंका को उसने परित्याग कर दिया, तो लंका का क्या हुआ, सर्वनाश। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं। भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी माँ के दरबार में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भक्त जन श्रद्धा युक्त होकर के माँ के दरबार में आते हैं और दिव्य गुहा के अंदर इन दिव्य पिंडियों के सामने माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरणों में झुकाते हैं, उन शरणान भक्तों को इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त होते ही, तीनों माताओं की कृपा प्राप्त होती ही, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। तो इन तीनों देवियों के सदा सर्वदा आप शरणार्थ भक्तों और पूर्ण कृपा बनी रहे। माँ भगवती आप भक्तों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, इसी तरह से अपने चरणों से लगाए रखें, और हर स्थान पर, हर क्षण, हर पल, अंग संग, देश विदेश में माँ भगवती आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें, आपकी जो भी मनोवांछित कामना है माँ भगवती उन कामना को, मनोकामना को पूर्ण करें, और सदा सर्वदा हर स्थान पर आप भक्तों का मंगल मंगल करें। सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बोलो सच्चे द्रवार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, निवेदन कर रहा हूं श्री श्री जी मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग देना सा मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी जय कर मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। शेरावली मां तेरी औड़ी का शेरावली मां तेरी औड़ी का खुला के बैठे ऐसी दादियां परी का शेरा वाली है मतेरियाँ उड़ी का शेरा वाली है मतेरियाँ उड़ी का लग बैठे ऐसी डाडियाँ परीता लग बैठे ऐसी डाडियाँ परीता तेरिया उड़ी का गाती 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 तेरी औड़ी का गाती है तेरी औड़ी का गाती है तेरी औड़ी का गाती है
जय करम शर बली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तेरे जीवन दी नैया मझदार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझदार बंदिया लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझदार बंदिया लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया ओ तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया हो लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया हो लेके मां दा सहारा हो जा पार बंदिया जगते तू प्यार बिच भुरे भुलिया सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया ओ सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया ओ सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया ओ चुपे जगते तू प्यार बिच भुरे भुलिया सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया ओ सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया सच्चा हीरा सी तू पत्थरा दे बिच रोलिया एक श्वास बिना एक श्वास बिना एक श्वास बिना जिंदगी उधार बंदिया लेके मारा सहारा हो जा पार बंदिया श्वास बिना मिलेगी उधार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया हो लेके माता सहारा के मादा सहारा हो जा पार बंदिया हो बेला हाथ सिर नहीं होया वना अंत वेले में कि बंदिया तू पछतावना अंत वेले में कि बंदिया तू पछतावना अंत वेले में कि बंदिया तू पछतावना हो बंदिया हो बेला फिर फिर अंत आवना अंत वेले में कि अंत वेले में कि बंदिया तू पछतावना अंत वेले में कि बंदिया तू पछतावना ओ झूठे जगदाना ओ झूठे जगदाना झूठे जगदाना कोई अंतवार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया ओ झूठे जगदाना कोई अंतवार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया ओ तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया तेरे जीवन दी नैया मझेदार बंदिया लेके माता सहारा हो जा पार बंदिया ओ कुटी काश तेरा सदा तेरी खड़ी ही रहनी गड्डी बूहे ते ना सदा तेरी खड़ी रहनी है गड्डी बूहे ते ना सदा तेरी खड़ी रहनी है ओ गड्डी बूहे ते ना सदा तेरी खड़ी रहनी है ओ गुट्टी काश ते ना सदा तेरी खड़ी रहनी है
गट्टी भूहे ते न सदा तेरी खड़ी रहनी है, ओ गट्टी भूहे ते न सदा तेरी खड़ी रहनी है, ओ गट्टी भूहे ते न सदा तेरी खड़ी रहनी है। अज जीवन दी बाजी ना तुहार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, अज जीवन दी बाजी ना तुहार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, ओ तेरे जीवन दी मैया पछतार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, तेरे जीवन दी पछतार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, तेरे जीवन दी मैया मजेदार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, तेरे जीवन दी मैया मजेदार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, हां लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, हां लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा के मां का सहारा हो जा पार बंदिया, लैके मां का सहारा हो जा पार बंदिया, दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, दुखों ने घेर लिया दुखों ने भगत तेरा घबराया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, सबने दीन दयालू तारन हार बताया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, दुखों ने घेर लिया दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है, कहदा संसार जीवन नाव पुरानी, जीवन नाव पुरानी, जीवन नाव पुरानी, टकमग डोल रही है सुन ले मात भवानी, सुन ले मात भवानी, सुन ले मात भवानी, कहना संसार समुद्र जीवन नाव पुरानी, जीवन नाव पुरानी, जीवन नाव पुरानी, टक
डगमग डगमग डोल रही है, सुन ले मात भवानी सब पापियों का बेड़ा, सब पापियों का बेड़ा तूने पार लगाया है। भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, ओ भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। अरे आए पाप पुराने अब तो बनो सहाई माय, अब तो बनो सहाई माय, अब तो बनो सहाई, आए बंद कुटुंब कबीला सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई, अरे आए पाप पुराने अब तो बनो सहाई माय, अब तो बनो सहाई माय, अब तो बनो सहाई, भाई बंद कुटुंब कबीला सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई, सभी ने आंख दिखाई, अब तेरा सहारा मैया, अब तेरा सहारा मैया तीनों लोगों ने पाया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, मैया मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओ दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया भगत तेरा घबराया है, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया 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 है, 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 तेरा सेवक आया है। जयकारा श्री वाले बोल सच्चे दरबार की जय। अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली जी का दरबार की जय। इतनी सी अरदास है मेरी, हे मैया पूरी कर दो, शरण में अपनी लेकर मुझको, हाथ मेरे सर पर धर दो, मैं तो मांगू मां प्यार तेरा, बस यही धन मुझको दे दो, बस यही धन मुझको दे दो, मां तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मां तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, हाँ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए। Thank you.
भाग्य जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, जग में न मीत है, ओ माँ के जैसा दूजा कोई जग में न मीत है, जग में न मीत है, जग में न मीत है माँ, जग में न मीत है, जग में न मीत है माँ, जग में न मीत है, एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, हाँ एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है, सच्ची तेरी प्रीत है माँ, सच्ची तेरी प्रीत है, सच्ची तेरी प्रीत है माँ, सच्ची तेरी प्रीत है, ओ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, मेरा ये प्यार तेरा बार बार चाहिए, ओ माँ सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, 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 बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, वो बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, बच्चों के लिए तो माँ ही सच्ची सरकार है, वो सच्ची सरकार है माँ, सच्ची सरकार है, सच्ची सरकार है माँ, सच्ची सरकार है, वो दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, वो दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है, वो महंगा माँ का प्यार है जी, महंगा माँ का प्यार है, महंगा माँ का प्यार है जी, महंगा माँ का प्यार है, वो दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, ओ दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, दिल का करार दिल बेकरार चाहिए, हाँ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, निश दिन पल पल सुमिरन तेरा हो, 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 सुमिरन तेरा हो माँ, सुमिरन तेरा हो, सुमिरन तेरा हो माँ, सुमिरन तेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, ओ दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, दिल में हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो, ओ तेरा ही बसेरा हो माँ, तेरा ही बसेरा हो, तेरा ही बसेरा हो माँ, तेरा ही बसेरा हो, सपना हमारा होना साकार चाहिए, सपना हमारा होना साकार चाहिए, हे माँ सपना हमारा होना साकार चाहिए, सपना हमारा होना साकार चाहिए, माँ तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ, तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए माँ,
तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए। जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं, जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं, ओ जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं, जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊँ मैं, चौखट पे आऊँ मैं, चौखट पे आऊँ मैं, चौखट पे आऊँ मैं, चौखट पे आऊँ मैं। हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊँ मैं, 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 वो प्यार में जताऊँ सदा प्यार में जताऊँ मैं, प्यार में जताऊँ सदा प्यार में जताऊँ मैं। भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, ओ भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए, मैं तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, 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 तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए, 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 तेरा प्यार चाहिए माँ। जयकारा शेरोवाली जी का सच्चे दरबार की। उतरत है मरच राम रविचंद्र भंग नेत्राम दणो शरजता कुशवास सोमा ब्रह्मेर भुजय सदरते शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरम हृदयजाम दृतेन्दुलेखा सच्चियां ज्योतां वाले माता तेरी सदा जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों पर कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान शस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करने दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भव गैर गर्भदलनी व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पकृत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देशो शरीरवर्चस् आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम् हीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं
संसरों दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना, ताली जाते हैं। ओम जय अम्बे गौरे मैया जय बुरबादी
परम पूज्य पुजारी जी, मैं भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मैं भगवत की आरती उतर जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। सभी भक्तों से एक विशेष प्रार्थना है, जो एक सूचना है कि श्री अप्रैल को पहला नवरात्र जो है जो प्रारंभ हो रहा है, और प्रथम नवरात्र की सायंकाल की जो आरती होती है, सायंकाल की आरती का समय जो है जो बदला जाता है, तो सायंकाल की आरती जो है पहले नवरात्र की वह 7:20 पर जो है इसका प्रसारण जो है जो किया जाएगा। फर्स्ट नवरात्र में सायंकाल की रात्रि सायंकाल की जो आरती होती है वह सायंकाल को 7:20 पर जो है इसका प्रसारण किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नवरात्र में सायंकाल की आरती का समय जो बदला जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर के बोलना। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपं देही जयं देही, रूपं देही जयं देही, दिशो देही दिशो देही, दिशो देही दिशो देही। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः।
अब शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर जो सठ घड़ी यो चरणा दान से चक्रगदेषु चापपरिघान् चोलं शुण्डिं शङ्खं सन्दनकिङ्करे शयनं सर्वाङ्गभूषावृतां लीलाश्वाध्वनिमाशपाददशकां देवे महाकालिकां यामस्तु स्वपिते हरो कमलजो हन्तं वधुं तेजवम् अक्षासर्वशुं गदेषु पुरुषम् परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूरं वासुसुदर्शने ददर्शिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेरोवर्धनी महिमः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूरहराणिकण्ठमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभिगर्दीन्द्रनां तविलसं
सीताशतुल्य प्रभा गौरी देव सबोद्भवान् त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनोजे शुंभादित्यादिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विश्व भगवरं सर्वलोकेकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मातरं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमो हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वतरा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्वास देने वाली माता तेरी सदा लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 बोलो बाबा श्री जय की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।